नावीन मुल्क में सियासी ए आइनी बोहरान के नजर में रखने सिंध असेंबली के मेंबरन आला अदालत में बेहतरी की उम्मीद जाहिर कई है। उन हवाले से रिपोर्ट कर रहा है धरती टीवी जो नुमाइंदो अब्दुल्ला सोलंगी। नाजरीन मुल्क अंदर आइनी बोहरान के हवाले से अज सिंध असेंबली में इंद एमपीए से गालबोल कंदी तो उनको चवण है जैसे इन वक्त असि सिंध असेंबली के उन गैलरी से मौजूद आयो जिथे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी हुकूमती धुर जहा एमपीए अचो तो असन गालबोल क्यों तो आइनी बोहरान के हवाले से उनको चवण है जैसे आइन एग्जिस्ट ही को आइन जो वजूद ही को बंदूक के नाली के जरिए मुल्क के हलो वो तो आइन ए कानून की हुक्मरानी को होंगी है पर जैसे आइन ए कानून की हुक्मरानी है जैसे पार्लियामेंट है जैसे असेंबलियों जैसे तमाम उन्होंने हुकूमत खुद इमरान खान जै असेंबली के जरिए आयो है जै आइन के जरिए आयो है यकीन अस पैं तद सिलेक्टेड आने साबित कर न रुगो सिलेक्टेड है पर वह डिक्टेटर भी है। पूरी अपोजिशन यो मुतालबो किया तो जैकड़ असाजे खिलाफ़ का है तो अस फांसी चढ़ने ला तैयार हूँ तहकीकत कराई वे कें अदालती तहकीकत कराई वे तहकीकती इदारन का तहकीकत कराई वे जैखा वणे तेखा हुकूमत जहाँ मौजूद हाँ तो हुकूमत है ही को पर तहकीकत थे खपे ही न्याजी जो सो इन मुल्क जो सजण आए ही को मुल्क जो दुश्मन तुम दिठो हों तो साढ़े टी साले में को आवाम की भलाई बेहतरी को एकड़ो कम को कयो हुए तो अस उनके को आवाम शाबस दे हाँ ही छा तो करें मर्जी तुम असेंबली टोड़े डिजॉल्व कर वरी आवाम वा आवाम के कंटेनर वे कूड़ा लाड़ा लप हणी बड़े कॉन्फिडेंस जड़े नमूने से कूड़ गाल अचे अड़े ही कॉन्फिडेंस उनकी मर्जी तो वरी आऊँ कूड़ गाल इकदार में अचान पर हाँ आवाम उनके समझी चुकी है आवाम उनके कतई वोट दियण पसंद न कंदी डिक्टेटर माइंड रखी कर अड़ी सूरत न कई जहा कई मुल्क जै बोहरान में धिके छो मां समझा थी पे तो ढाढ़ियों दुखियाँ थन्दू। इन्होंने गैर आइनी काम करने में पिछले डिक्टेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में तीन दफ़ा मार्शल ला लगा है, पहली दफ़ा पाकिस्तान का आइन को मजरू नहीं किया गया, ये चौथी दफ़ा मजरू किया गया है। और लेकिन अफसोस ये है कि एक सिविलियन डिक्टेटर ने उसको मजरू किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में आयो, सुप्रीम कोर्ट जो को फैसलो कंदी, लेकिन इन पांजे वसा इन मुल्क के पूरे दुनिया में बदनाम करण मुल्क की जमहूरियत के आइन के इदारन के बदनाम करण का में जो घटायो पांजे वसा इमरान खान घटायो ना है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की जो उम्मीदें हैं नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर है और हम आला अदलिया से अच्छी उम्मीद रखते हैं और यकीनन तमाम दलाइल पेश किए गए आज भी समाज जारी है अभी तक उसके बाद जो भी फैसला लिया जाएगा वो इंसाफ पर होगा। ढो गलत थी रहे आइनी तरह पैरवी अस मुआशी तरह तबाह थी वह हाँ आइन भी असो खत्म थी पाकिस्तान में इनके ढे बुरे तरीके से मू सब परेशान हैं तो आखिर पाकिस्तान कड़े हंद किथे वही बीहन आइनी बोहरान के खत्म करना हाँ हिंसर जी अखियं लगल कोर्ट जर अज इंसाफ की कुर्सी से वेठल मू अज जर इंसाफ कर तो समझो पाकिस्तान बचाए वा जो अज यो इंसाफ ना कन तो चवंदस मुल्की सूरत हाल मुआशी बोहरान वही गाल वही गाल मुल्क की बचत आऊं समझा थी तो जी मुल्क कायम है तो पार्टियों कायम है मुल्क ना है पार्टी ना है असो ख्याल यो है तो कोर्ट के पहले नहीं फैसलो देन घुर्जे कोर्ट के फौरी तौर पर अज जरूर फैसलो देन घुर्जे कोर्ट के आइन मुताबिक फैसलो देन घुर्जे जर अस यो वेटा सोचूं तो हाँ कुछ कदम खजी वह हाँ नजर जरूरत के जिंदा कज तो यो मुनासिब को रो मुल्क के इन अनारकी ना धिके छो है मुल्क के इन इंतशार ना धिके छो है मुल्क जो आइन जो वो सिसकियों भरे पो। सिंध असेंबली के मेंबर खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस की हवा गाल बुधी जिनो चवण है तो इमरान खान पैं अना में अची कर आइन के वो नुकसान पहुंचा है जैसे तो जमहूरत की बहाली लाइन वक्त सुप्रीम कोर्ट पैं किरदार अदा करें। कैमरामैन शहजाद सलीम से गड अब्दुल्ला सोलंगी धरती टीवी न्यूज़ कराची।